नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ गए हूँ दोस्तों। ये दूसरी वीडियो है आज हमारी। इससे पहले कल भी मैं एक वीडियो डाल दिया था पशु परिचर यानी कि एनिमल अटेंडेंट के लिए। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100% गारंटी के साथ यदि आप रोजाना मेरे साथ जुड़े रहेंगे और रोजाना पढ़ाई करेंगे। दोस्तों ये वीडियो जो है आपके सीट के एग्जाम हो गया, आपके पुलिस का एग्जाम हो गया, राजस्थान में पटवारी वगैरह के, रीट वगैरह के, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी RSSI, किसी के सब में काम आएगा। परंतु मैं उन विद्यार्थियों को ये पर्सनली बता रहा हूँ जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ये क्वेश्चन आपके ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे, विश्वास नहीं होता है आपको। तो जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ये आपके CET का एग्जाम होता है, LDC का होता है, हॉस्टल वार्डन वगैरह का, पटवारी का, पुलिस का होता है ना, उनमें मिला लेना मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ कि सर उनमें सेम टू सेम क्वेश्चन आए कि नहीं आए। पिछले गारंटी दे रहा हूँ कि पशु परिचर वाले विद्यार्थी ध्यान से सुन लो, अभी आपके पास समय है, बस मैं पढ़ा रहा हूँ, इनको रट्टा मार लो। एक बार में रट्टा नहीं मरता है, दो बार पढ़ लो, दो गुना स्पीड करके पढ़ लो, बस पर रट्टा मार लो। और दोस्तों मैं लास्ट में जिन विद्यार्थियों ने कमेंट वगैरह किया था उनका नाम लूंगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है, यह आपको बताना है, पाली नहीं है, जबकि नागौर है, जोधपुर है, सीकर तो है, पाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भोर BHOR कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है का उद्देश्य क्या है? तो भोर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भिक्षुकों का पुनर्वास। क्या? भिक्षुकों का पुनर्वास इसका संबंध है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, आज की क्लास में लगभग आपके 58 क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें शामिल नहीं होता है। तो राज्यपाल द्वारा जो है एक समिति की सिफारिश पर की जाती है तो उस समिति में कौन नहीं होता है वो पूछ रहे हैं यहाँ पर आपसे। तो उस समिति में नहीं होते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते, जबकि विधानसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है, विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता होता है, मुख्यमंत्री होता है। जैसे कि बात करें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी होंगे, अपने विपक्ष के नेता जो टीकाराम जूली है वो भी होंगे, और भजन लाल जी भी होंगे, मतलब ये तीनों होंगे, परंतु उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो नहीं होंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर लगता है? चंद्रभागा मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है? इसी को बोलते हैं राजस्थान का सुरंगा मेला, हाड़ौती का सुरंगा मेला। तो बताओ कौन सा है फटाफट। तो ये हो जाएगा आपके कहाँ पर लगता है, दो ऑप्शन है, झालरापाटन भी और झालावाड़ भी है। तो अब आपको बताना है क्या आंसर होगा। तो झालरापाटन इसका सही होगा, झालावाड़ के अंदर पड़ता है झालरापाटन। तो पहले अपने को वो जगह बतानी जहाँ पर सच में लगता है, ठीक है, समझ गए, जिला नहीं बताना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं झालावाड़ याद कर रखा है, झालावाड़ टिक कर देते, जबकि झालावाड़ गलत होगा, झालरापाटन एकदम सही जवाब होगा, ठीक है मित्रों, कार्तिक महीने में लगता है। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? जवाब हो जाएगा इसका जैसलमेर। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? तो ये किया है जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीले अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध, यानी कि प्रथम अपीले जो प्राधिकारी होगा उसके निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपील प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? तो कितने दिनों में अपील कर सकते हो आप फिर से? तो 60 दिनों में अपील कर सकते हो द्वितीय अपीले अधिकारी के पास, प्रथम अपीले अधिकारी की। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना के द्वारा की गई थी? तो हटुंडी आश्रम है दोस्तों अजमेर में, उस हटुंडी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, पहले अजमेर में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो हरिभा उपाध्याय, क्या थे, हरिभाई उपाध्याय ने स्थापना की थी हटुंडी आश्रम की, हटुंडी गांधी आश्रम की अजमेर में। अगला प्रश्न ये रहा,
1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो आपको बताना है कि जो 1857 की क्रांति हुई उसमें अंग्रेज और जोधपुर की जो राज्य की सेना है दोनों मिलकर के लड़ाई करने गई और दोनों को पराजित कर दिया, कूट कूट के भगा दिया डंडों से। तो बताओ फटाफट से जवाब हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह। कौन हो जाएगा? ठाकुर कुशाल सिंह। और ये युद्ध हुआ था दोस्तों बिथोड़ा, बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा स्थान कहाँ पर पड़ता है? पाली में। तो बिथोड़ा में जो है ये युद्ध हुआ था। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर को, 8 सितंबर 1857 को ये युद्ध होता है और इसमें अंग्रेज और जोधपुर की सेना को कूट कूट करके यहाँ से भगा दिया जाता है दोस्तों। तो ये भी आप याद रखना, मारवाड़ की सेना थी उसके जो सेनापति थे कौन थे? मारवाड़ की सेना के सेनापति थे ओनाड सिंह व हाथीकोट। तो आपको पता है यहाँ पर ओनाड सिंह को निपटा दिया, क्या कर दिया था? निपटा दिया था यहाँ पर। चलो तो ये भी याद रखना किसको निपटाया था, ये भी क्वेश्चन आता है कि किसको मार दिया था यहाँ पर, तो ओनाड सिंह को मार दिया था। निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो राष्ट्रपति शासन किसके कार्यकाल में लगा है तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भैरव सिंह शेखावत जो थे उनके समय में दोस्तों सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है, सर्वाधिक बार लगा है, तो ये भी आप याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के जो तमाम विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर अन्य राज्य के विद्यार्थी देख रहे हैं तो मैं बता रहा हूं जो भी मेरी वीडियो देख रहा है एक सीट अपनी पक्की समझ लेना, ठीक है। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पर है? ये हो जाएगी उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन विशाल भंडार मिले? तो राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन विशाल भंडार मिले हैं? जवाब क्या होगा? जवाब होगा जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। अगला प्रश्न, बडार क्या है? तो आपको बताना है कि बडार क्या है। तो बडार दोस्तों आपको पता है विवाह पर आयोजित जो भोज्य होता है, जो विवाह के समय जो खाने वाला भोजन होता है तो वो क्या होता है? बडार होता है। क्या होता है? बडार होता है। अगला प्रश्न आपके लिए, फलकुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? फलकुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो फलकुबाई गुजर जाति की महिला है, किशनगढ़ की रहने वाली है और दोस्तों ये चरी नृत्यांगना है। क्या? चरी नृत्यांगना है, गुजर जाति की महिला है, तो ये आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये रहा, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है जनगणना? दोस्तों ये क्वेश्चन कब से कम अब तक 20 बार से ज्यादा पूछ लिया हर एग्जाम में, राजस्थान के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि 100 से कम जनसंख्या प्रति वर्ग घनत्व कहां पर है? तो आप सबको पता है जैसलमेर में, बाड़मेर में और बीकानेर में। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर याद रखना। और आपसे पूछ ले कि 500 से ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो 500 जनसंख्या ज्यादा घनत्व था जयपुर में और भरतपुर में, दो जिले ऐसे हैं जिनमें ज्यादा है। समझ गए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? सांप्रदायिक सौहार्द के जो प्रतीक है काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो किस सूफी सिलसिले के थे? सुहरावर्दी के। किसके? सुहरावर्दी के दोस्तों, सुहरावर्दी के ये जो है सूफी सिलसिले के संत थे। अगला प्रश्न, और अजमेर वाले पूछ ले तो दरगाह किसकी, किस कौन से संत, मतलब किस संप्रदाय के संत है? तो वो चिश्ती संप्रदाय। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? मलिक शाह की मस्जिद कहाँ है? तो मलिक शाह की मस्जिद हो जाएगी आपके जालौर के जो दुर्ग है मित्रों, तो जालौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदरवा प्रसिद्ध है, फटाफट बताओ लोदरवा क्यों प्रसिद्ध है? तो लोदरवा जेएनयू के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोदरवा जेएनयू के लिए प्रसिद्ध है, ये आप सभी विद्यार्थियों को बताना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? तो इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है दोस्तों आपके पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में। किसमें? पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में दोस्तों इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया था? तो प्रताप सिंह बारट को दोस्तों कारावास दिया गया था कौन से षड्यंत्र केस के अंतर्गत? तो ये हो जाएगा बनारस षड्यंत्र मुकदमा के तहत प्रताप सिंह बारट को दोस्तों क्या हुआ था? कारावास हुआ था, सजा हुई थी। दोस्तों आप याद रखिए, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, महणत सर प्रसिद्ध है। तो महणत सर जो है, आपको पता है महणत सर पड़ता है झुंझुनू में। कहाँ है? झुंझुनू में। तो ये क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है महणत सर। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना और जिला, इधर सिंचाई परियोजना दे रखी है, जिला दे रखा है, सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है, फटाफट बताओ। तो परवन लिफ्ट परियोजना आपको पता है, परवन लिफ्ट परियोजना झालावाड़ की है, तो यही सही हो जाएगा। सावन बादो कोटा की है, सोम कागदर उदयपुर की है, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर की है। कन्फ्यूजन होता है, सोम कागदर पूछे तो याद रखना रट लेना उदयपुर होता है, सोम कमला अम्बा पूछे तो डूंगरपुर होगा, सावन बादो पूछे तो कोटा होगा, ये रट के याद कर लेना। और परवन आपके झालावाड़ की होगी। ठीक है, अगला प्रश्न, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर जवाब देना है। चलो बताओ फटाफट, जवाब देना है फटाफट। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उपमुख्यमंत्री भी रहे। हाँ जी दोस्तों, हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उपमुख्यमंत्री पद पर रहे, ये बात भी सही है इनकी। तो दोनों कथन सही होंगे, एक और दो दोनों सही हो जाएंगे मित्रों। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के जो है पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, ये आप सभी को बताना है, सभी के सभी विद्यार्थियों को। तो विलियम ईडन हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है, कैसे याद रखोगे कि ईडन गार्डन, तो गार्डन वार्डन जयपुर में है कि नहीं गार्डन, तो बस पॉलिटिकल एजेंट ईडन कहाँ के, तो जयपुर के हो जाएंगे। बटन कहाँ के, तो बटन दोस्तों कोटा, कोट में क्या लगते हैं बटन, तो कोटा का क्या होगा बटन, तो कोटा का बटन हो जाएगा। और मॉरिसन भाई साहब कहाँ के हैं, तो ये मॉरिसन है भरतपुर के, हैं कि नहीं, तो बिल्कुल ये याद कर लो आप, रट लो इनको। और मेक मोशन कहाँ का है, तो इनके मेशन लगा दिया था एकदम मारवाड़ में, मारवाड़ के है ये मेक मोशन। तो ये सारे के सारे याद कर लो, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और सिरोही के कौन थे, जेडी होल थे। उसी प्रकार मेवाड़ के पूछ ले तो मेजर सावर्स हो जाएंगे। तो ये जितने भी थे इम्पोर्टेंट हो मैंने बता दिए आपको। अजमेर के कौन थे, कर्नल डिक्शन। तो ऐसे याद कर लो। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रा चुंगटिया किसको लिखा था, तो केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रा चुंगटिया लिखा था मेवाड़ के महाराणा थे, वो क्या है दिल्ली दरबार में जा रहे थे, तो इन्होंने एक कविता लिखी थी, इन्होंने कहा था कि आपके पूर्वज है वो कभी किसी के सामने झुके नहीं और आप जा रहे हो गुलामी करने अंग्रेजों की, वो भी तो ये फिर जो इस कहानी को सुन करके, इस कविता को सुन करके महाराणा नहीं गए, फिर महाराणा ने जाने से इनकार कर दिया। तो ये किसको लिखा था, महाराणा फतेह सिंह को लिखा था, चेतावनी रा चुंगटिया। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भरतपुर प्रजामंडल प्रजा संघ की स्थापना कब हुई, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई, प्रजा संघ की स्थापना की बात कर रहा हूँ मैं, प्रजा संघ प्रजा राज्य प्रजा संघ की बात कर रहा हूँ, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की बात कर रहा हूँ, प्रजामंडल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 1928 में, कब 1928 में। अगला प्रश्न, आभूषण दे रखा है और फिर दे रखा है अंग, अंग और आभूषण में जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो बताओ फटाफट से, याद करने के अच्छे अच्छे तरीके इसको देखो कैसे, तगड़ी कमर क्या होती है, तगड़ी होती है। आप कहीं भी मतलब वैसे बात करें तो गलत है, पर आप ऐसे सोचो मतलब, तो क्या तगड़ी क्या होती है, कमर होती है, तो ये आपका ये सही होगा। सुरलिया, आप सुनते कहाँ से हैं, सुरलिया सुर सुन लिया, सुर सुर सुन सुनते कहाँ से, कान से सुनते हैं, तो ये भी सही होगा। अब रमजोड़, या रमजोड़ कलाई की होती है क्या, नहीं होती ना, गलत है। तिमणिया गले का होता है। ठीक है चलो, अगला प्रश्न आपके लिए, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है, जोधपुर का जो महामंदिर है ये उपासना स्थल है, किसका उपासना स्थल है, नाथ संप्रदाय का, कौन सा है, नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है जोधपुर का महामंदिर।
अगला प्रश्न, चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहते हैं? चार हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है कल्ला जी को, कल्याण जी को, केहर को, कमधण को। इनका अनन्य नाम है और इनका जन्म कब हुआ था? 1544 में हुआ था। इन्होंने अकबर से युद्ध किया था, गजब का, क्या गजब का युद्ध किया था, और चार हाथों वाले देवता कहलाए उसके बाद। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना आप सभी लोग। इनको शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति, जनजाति कौन सी? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है एसटी की जनसंख्या कितनी थी, और अनुसूचित जाति बोलते तो केवल उसका मतलब होता है एसटी एससी, समझ गए? तो अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या कितनी है हमारे राजस्थान में? तो 13.5%। कितनी? 13.5%। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम वाला बार बार में आता है क्वेश्चन, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, लास्ट वीडियो में भी यही चीज चर्चा की थी मैंने कि जो भी पोस्ट है राजस्थान में, पोस्ट पोस्ट को सबको याद कर लो, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो जवाब हो जाएगा के गोयल। क्या हो जाएगा? के गोयल आपका सही जवाब हो जाएगा सभी के सभी विद्यार्थियों का। ठीक है मित्रों, ये आप बिल्कुल रट के याद कर लो सारे के सारे विद्यार्थी। चलते हैं नेक्स्ट, और इसके अलावा ये भी पूछते हैं कि प्रथम लोकायुक्त कौन थे? प्रथम लोकायुक्त वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो आई डी दुआ जो है राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट अपने के लिए क्वेश्चन हो जाता है, और ऐसे क्वेश्चन तो आपको हमेशा हमेशा के लिए रट लेने चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बताइए इसका जवाब, जैसलमेर के बाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? जैसलमेर के बाटी राजवंश की कुलदेवी है स्वांगिया माता। कौन सी माता है? जैसलमेर के बाटी राजवंश की है स्वांगिया माता, इनकी कुलदेवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो मारवाड़ का कौन सा ऐसा शासक है जिन्होंने दोस्तों मुगलों की स्वतंत्रता अधीनता स्वीकार नहीं की? वह राव चंद्रसेन है, जिनको कहा जाता है महाराणा प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भुला बिसरा राजा, ये इन्हीं के नाम हैं, तो इनको याद रखना। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया? इसे याद करो तो कर लेना, नहीं तो आपकी मर्जी है, इसको आप छोड़ भी सकते हो मेरी तरफ से, तो गौरी माहेश्वरी हो जाएगा। बैंगटी गांव फलोदी, बैंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? तो बैंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? जरा सा कमेंट करके फटाफट जवाब दे दो। तो हड़बू जी महाराज का, किसका? हड़बू जी का दोस्तों, बैंगटी गांव बुढ़ेल दोस्तों, यहां पर इनका क्या है, हड़बू जी का बैंगटी गांव में, तो दोस्तों इनसे संबंधित कौन है? हड़बू जी, और इनका हड़बू जी का संबंध बुढ़ेल से भी है। कहां से? बुढ़ेल नागौर से भी इनका संबंध है, तो ये भी आप याद रखना। और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई है, हड़बू जी क्या है? रामदेव जी के मौसेरे भाई है। और जो ये बैंगटी फलोदी है, यहाँ पर इनकी गाड़ी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? गाड़ी की, जिसमें चारा लेकर के आया करते थे गायों वगैरह के लिए, तो उसकी पूजा करते हैं अभी इनकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखा है और जिला दे रखा है? सुमेलित नहीं है, वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। सोरसेन बारा है, बिल्कुल, बंद बारेटा ये भी भाई साहब भरतपुर में पड़ता है, उसके अलावा वन बिहार ये धौलपुर में पड़ता है, केसर बाग कहाँ पर है जल्दी से कमेंट करके बताओ? तो केसर बाग भी धौलपुर में है, तो ये गलत हो जाएगा, तो अपना सही आंसर होगा ये वाला। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है, फिर से इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, आ सकता नहीं, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि ये ज्यादा है वो कम है, ऐसा बता रहा हूं बस, पर रटना सारा है। तो बताओ कब से लागू हुआ? 18 दिसंबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई? तो यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई कहां से हुई? बेराट से। क्या हो जाएगा? बेराट, बाणगंगा नदी के किनारे, तो ये भी आप लोग याद रखना। चलो अगला प्रश्न है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है?
तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोर्ट्री से। किससे? कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोर्ट्री से। चिन्नी मिट्टी के आकर्षण बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, कुरु द्वारा बुद्ध जोड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो बताइए फटाफट से सभी विद्यार्थी, गुरु द्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो सभी विद्यार्थियों का क्या जवाब होगा? जवाब हो जाएगा श्री गंगानगर। क्या होगा? श्री गंगानगर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बालुका स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर चले, यानी कि जिधर हवा चल रही है उधर ही बन रहा है बालुका स्तूप, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं सीप। क्या बोलते हैं? या तो उसको सीप बोलेंगे, या उसको बोलेंगे रेखीय, या उसी को बोलेंगे अनुदैर्ध्य, या अबल बालुका स्तूप। तो ये इसी को बोला जाता है जो पवन की दिशा के समानांतर यानी कि अनुदिश होती है। ठीक है, चलो मित्रों अगला प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे बस याद कर लो, रट लो आप लोग। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र कहाँ हो जाएगा? उदयपुर में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है। प्रतिशत की बात करो या फिर अभिलेखित वन की बात करें। रिको द्वारा चार एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए, तो रिको द्वारा चार फूड एग्रो पार्क कहाँ पर विकसित किए गए? जोधपुर, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन, बस 8 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, बस इनको रट लेना। आज 50 क्वेश्चन, कल 50 क्वेश्चन, डेली आपके 50-50 होंगे। अगला प्रश्न ये रहा, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में राजस्थान है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो न्यायाधीशों की संख्या है 50। कितनी है? 50। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। चलो बताओ, जोरावर सिंह बरेली की जेल में, गलत है। अंतिम समय में सन्यासी के रूप में रहे, पकड़े ही नहीं गए भाई साहब, सन्यासी बन के रहे जोरावर सिंह। विजय सिंह पति को रखा था टोटगढ़ जेल में, केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में रखा था, अर्जुन लाल सेठी को बेल्लोर जेल में रखा था। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, गेहूं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 2007-08 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताराम लालस का संबंध रहा है, सीताराम लालस का संबंध रहा है राजस्थानी शब्द कोश से संबंध रहा है सीताराम लालस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे बताओ? जवाब हो जाएगा महाराव राजा बहादुर सिंह। ये बूंदी रियासत के आधिकारिक शासक रहे थे, ये आप लोग याद रखो। कौन? महाराव बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम IPRS रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान ने कितने पार्कों को लीडर रूप दर्जा मिला है? तो लीडर रूप के रूप में दर्जा मिला है 17 को। कितने को? 17 को मिला है। अगला प्रश्न ये रहा, अल्पी सोच मृदा पाई जाती है, अल्पी सोच मृदा पाई जाती है, फटाफट से कमेंट कर दो आप। तो अल्फी सोच मृदा कहाँ पाई जाती है? जयपुर दौसा अलवर। कहाँ पर? जयपुर दौसा अलवर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और सही उत्तर का चुनाव करें। चलो बताओ फटाफट। तो यह पहला ऑप्शन है, राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य गठन पर अस्तित्व में आया। बिल्कुल ये बात सही है, स्पष्ट कथन सही है। जीसी कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने, ये बात भी सही है, यानी कि दोनों कथन सही है, एक और दो दोनों सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन और भी है मेरे पास, परंतु मैं ऐसा करूंगा 50-50 डेली क्वेश्चन करेंगे अपन, और आपके ये सारे के सारे 50 के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कल दोस्तों हेमराज है, उसके अलावा दोस्तों 3-4 और बच्चे थे, उन्होंने बढ़िया जवाब दिया, परंतु ऑफलाइन जो जवाब दिया मैं उसी का नाम लूंगा। मैं पहले बताया था कि अच्छा सा कमेंट करेगा और ऑफलाइन कमेंट करेगा उसी का नाम लिया जाएगा। तो आप जो है कमेंट किया करो तो मैं नाम लूंगा, जैसे हेमराज जी है उन्होंने दोस्तों कमेंट किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद हेमराज जी आपको, और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे आपके सही थे,
तो बहुत बढ़िया, मुझे बताया करो लास्ट में कि कितने परसेंट सही है, और एक प्यारा सा कमेंट लास्ट में छोड़ दिया करो जाते जाते। तो दोस्तों फटाफट से एक बार मुझे बता दीजिए ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और रोजाना इसी समय डेली क्लास चलने वाली है 8 बजे शाम को, 8 बजे डेली क्लास होगी आपकी, और आप फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दिया करो आते ही, ठीक है ना। अभी शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो, कोई पैसा नहीं लगता, कोई पैसा खर्च नहीं होता, एक स्टेटस लगाना है या फिर एक दोस्त को शेयर करना है, बस एक एक को शेयर करोगे तो बहुत काम हो जाएगा अपना। और आप लोगों के लिए फिर मैं क्लास रेगुलर लूँगा, यदि ऐसे बच्चे कम आएंगे तो फिर मेरी क्लास लेने का मेरा भी शौक नहीं है, कि आप ही पढ़ना नहीं चाहते हो तो फिर मैं किसको पढ़ाऊंगा। तो इसलिए यदि आप पढ़ना चाहते हो, सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो और आपको मेरे ऊपर भरोसा है, तो आप इस वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद।